Happy Diwali! गाइस कैसे हैं आप सब लोग. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लाइटिंग को देख के पता चल ही रहा होगा कि आज दिवाली है, तो आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की. तो दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी तो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि एंजल है, ज्यादा मेहनत करूंगी और वो सारी खराब कर देगी तो बहुत दुख होगा. इसलिए सिंपल सी छोटी सी ऐसे ही बनाऊंगी शौकिया तौर पे. एंजल को पीछे कीजिए. हाथ मारेगी नित्यम. एंजल खराब करने पे तुली हुई है. एंजल आप इधर आओ, इधर आ जाओ. ऐसा क्यों किया बेटा आपने? एंजल डांची. मेरी बेटी ये रंगोली खराब करके डांस कर रही है. ये इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रंगोली नहीं बनाऊंगी क्योंकि पता नहीं ये कब तक रहने देगी उसको. देखो अभी बनी है नहीं और पहले ही खराब करके भाग गई मैडम ये. नहीं पर अच्छी बन रही है. वाह, अभी आया असली रंग. हैप्पी दिवाली गाइस. हैप्पी दिवाली. अच्छा एंजल पटाखे चलाएगी कि फुल जोड़ी चलाएगी? एंजल तो अभी रेडी भी नहीं हुई है ना. एंजल अभी रेडी नहीं हुई है. अभी तो एंजल प्यारी प्यारी सी फ्रॉक पहनेगी, एक अच्छी सी है ना, ब्यूटीफुल लगेगी. ब्यूटीफुल अच्छी क्रिएटिविटी नहीं है मेरी, फिर भी कोशिश की है थोड़ा अच्छा करने की.
ये से ले लो, मुझसे ले लो, जल्दी जल्दी मुझसे ले लो। अरे आ रही, आगे आगे आगे, इधर आओ, उधर मत जाओ। मुझे भी दो। हम लोगों की लक्ष्मी पूजा हो गई है अभी, तो हम लोग अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं उनको दिवाली विश करने के लिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एंजल कहाँ आई है? ये हमारे आंटी हैं, बहुत ही प्यारे आंटी हैं। हम लोग पुरानी बिल्डिंग में रहते थे जिसमें वहाँ पे हमारे साथ रहते थे और हमें बहुत प्यार करते थे। तो हैप्पी दिवाली आंटी जी। नहीं जाती किसी के पास, नहीं जाती लेट, मैंने पहले सोचा ना लेट हो रही। नित्यम का दोस्त सो गया आज। तो नित्यम का फ्रेंड उठ गया है, पहले सो रहा था तो नित्यम उदास हो गया था, अभी फिर मिले नहीं। आप हैप्पी दिवाली बोला ही नहीं एक दूसरे को। एंजल तेजस भैया कहाँ है? कहाँ है तेजस भैया? एंजल के साथ भैया लोग नहीं खेल रहे? देखो आप दोनों तो बुला ही नहीं रहे एंजल को, मेरे लोग चाची बैठते हैं ना। गाइस हम लोग गए थे अपने दोस्तों के पास उन लोग को दिवाली विश करने के लिए, तो अभी बहुत लेट हो गया है, 12:30 हो गया और मीठा खा खा के ना अजीब सा मन हो गया। तो अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हमने सोचा चलो पाव भाजी खाई जाए, थोड़ा सा चटपटा सा लगेगा, और हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे पाव भाजी खाने के लिए। नितिन कैसी बनी बेटा, मजे आ रहे हैं? और एंजल को कैसा लग रहा है पाव भाजी? ओह माय गॉड, इसको देखना। आप नहीं खाओगे? खाऊंगी खाऊंगी।